हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएफएस। सर देखिए, स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि सर गेट में ऐसा अच्छा रैंक क्या है जिसके माध्यम से हम अच्छे इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सस्पेंस है। तो आज इस सस्पेंस के खुलासा होने वाला है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज हम यही बताएंगे कि हमारी गेट में कौन सी ऐसी रैंक होनी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो और जिनसे हम किसी एक अच्छे आईआईटी में जाने का हमको मौका मिले। तो आप रैंक के ऊपर बात करेंगे, तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नजर में कौन कौन सी ऐसी रैंक्स हैं। सर ऑब्वियसली वो तो रिवील करेंगे हम नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड में। तो मैं कह दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ बनाया जा रहा है हमारे स्टूडेंट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए। इन चारों सब्जेक्ट का जो हिसाब है और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का जो कैलकुलेशन है, दिस आर डिफरेंट। यू हैव टू थिंक व्हाटएवर डेटा वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, दिस इज अ रॉ डेटा फ्रॉम आवर स्टूडेंट, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टीज, कौन सा स्टूडेंट कितने रैंक पे कहां पे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों सर, सो आप रिवील करिए, दिखाइए क्या है। ग्रेट। तो सर देखिए, ऐसा जो है रैंक कार्ड मिलेगा स्टूडेंट को, स्कोर कार्ड, और उस स्कोर कार्ड में आप देख सकते हो सर, यहाँ पे थोड़ा पेन अगर दोगे आप, बढ़िया है सर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गेट स्कोर एक होता है, एक मार्क्स होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो मार्क्स होगा, एक गेट स्कोर होगा, और इस कैलकुलेशन के माध्यम से गेट स्कोर निकाला जाता है, और सर फाइनली यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक होगा। तो हम बताएंगे ऑल इंडिया रैंक आपका जो आने वाला है उसके हिसाब से कहाँ पे आप जाओगे। तो सर यस, स्टूडेंट को थोड़ा बताइए फास्ट। तो सर पहले अगर हम 1 से लेकर 50 यानी 1 से लेकर 250 तक हमारी रैंक आती है, तो आपको एक अच्छा आईआईटी और आपको आईएससी ये मिल जाता है, मतलब 15। राइट सर, और इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, आप अप्लाई कर पाओगे, आप इंटरव्यू दोगे, उसके बाद ऑब्वियसली इंटरव्यू क्रैक करना है, सिर्फ गेट से नहीं होगा, गेट से नहीं होगा, आपको साथ में कुछ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, तो और कुछ भी नहीं भी बुलाती हैं। तो जो टॉप के आईआईटी जैसे आईआईटी कानपुर है, मद्रास है, दिल्ली है, रुड़की है, ये आपको मान लीजिए चलिए कि आपको इंटरव्यू यहाँ पे देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी भी कीजिए। तो शुरू में जो आपके टू रैंकर्स हैं वो आईआईटी एससी और आईआईटी उनके लिए पीएसयू भी होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो उसमें भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी रैंक इसमें आती है। लेकिन सर वो थोड़ा एडवांस, 100 रैंक तक आना चाहिए, टॉप 100 में आना चाहिए, टॉप 100 में अगर आप हो, क्योंकि वो जॉब है, ठीक है, और वहां पे आपको इंडिया कॉइल हो गया या आपका ओएनजीसी हो गया, फिर आपका रेलवेज हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, आपको इस टाइप की जॉब्स वहां पे मिलती हैं। और सर स्केल भी काफी अच्छा होता है, मतलब मिनिमम 80,000 से स्टार्टिंग होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत, और डायरेक्ट जॉब मिलने का यही अपॉर्चुनिटी है मास्टर्स के बाद। लेकिन रैंक आपकी 100 के अंदर बेस्ट होता है सर, 50 के अंदर टॉप रैंकर्स को पीएससी जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहा था सर हमारे सब्जेक्ट से जा सकते हैं क्या। यस, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लाइफ साइंस से हो, आप जा सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में फिजिक्स केमिस्ट्री का चांस थोड़ा ज्यादा है रादर देन मैथ्स और लाइफ साइंस, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये ध्यान पे रखिएगा। इसके लिए थोड़ा सा भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से पब्लिक सेक्टर आपके एरिया में आते हैं, ठीक है, तो उसको आप एक बार रिसर्च करो और देखो कौन कौन से में जा सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट आपको जॉब मिलती है। तो उसमें बस आपको क्या करना है, आफ्टर गेट स्कोर का ग्रुप डिस्कशन होता है, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो आपको देना होता है, ठीक है, तो सब कुछ मतलब बढ़िया चीज है। और उसके बाद 250 से अगर हमारे पास 700 है सर, इसके बारे में आप बताओ। हाँ सर, देखिए सर, स्टूडेंट और कहता है कितना रैंक होता है, मतलब कभी कभार होता है कि गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, गेट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गेट आपको पास फेल नहीं बताएगा, वो रैंक दे देगा। तो आपका रैंक मान लीजिए 700 के बाद आया, देखिए यहाँ पे 1335, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप 800 के ऊपर रैंक बना रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप 700 के अंदर कर सकते हो तो वो आप काम पे लगा सकते हो, किसी एनआईटी किसी आईआईटीज में आप अप्लाई कर पाओगे, जा पाओगे, बहुत वो भी बहुत मेहनत के बाद आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए तो 1 से 250 के अंदर। इतने रैंक में मान लीजिए आपको आईआईटी मिल भी गया, मैं कह रहा हूँ 1%, तो ब्रांच अच्छी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनआईटी से जहाँ पे आईआईटी है वहाँ पे एनआईटी है, तो कंपेरिजन भी हो जाता है, और तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी आप कहाँ से करना चाहते हो। तो मैं तो मानता हूँ कि एक बार लग के पढ़ो और इसके अंदर आ जाओ, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको डायरेक्ट जॉब चलनी है, आपको जैसे बहुत लोग फाइनेंशियली होते हैं कि हाँ इनको जॉब की नीड होती है और एक अच्छी जॉब चाहते हैं, तो ये है 1 से 100 के बीच रैंक लेके आओ और डायरेक्ट जॉब लगेगी आपकी,
ठीक है, ग्रेट। तो ये चीजें आपके लिए भी है, तो आई थिंक स्टूडेंट के लिए सर कवर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप द इन्फॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज इसको टारगेट करिए और ध्यान पर रखिए ये आपका टारगेट है। नाउ आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पे ये रैंक आते हैं वो आप इजीली मिल जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसके लिए हमने नहीं लाया, आप देखिए कितना मार्क्स पे ये रैंक आया था लास्ट। ठीक है, तो सर थैंक यू या